हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुरावड़ा। स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये चैप्टर है, और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम जानेंगे इस कोर्स में, इस सीरीज में। सो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो होती क्या है, ठीक है? उससे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उससे पहले कि लीनियर का क्या मतलब है, और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है, ये सब बातें हम जानेंगे यहाँ पे। रियल लाइफ में एक्चुअल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं काम आती भी है या नहीं आती, हम इन्हें क्यों पढ़ना पड़ता है, या कहाँ हमारे लिए ये हेल्पफुल हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस सीरीज में देखेंगे, सीखेंगे। ओके, सो हमारे कंटेंट क्या रहेगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हमारे पास कुछ मॉडल्स की हेल्प से हम सीखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कहाँ यूज़ करते हैं, देन उनके मेथड, वेरियस मेथड हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें वन बाई वन हम पढ़ेंगे। कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हम करेंगे, और फिर कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए होंगे जो आप ट्राई करेंगे, ठीक है? एंड फिर सम रेफरेंसेस की, जिन बुक्स की हेल्प से आप और थोरली स्टडी कर सकते हो इस टॉपिक को। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आपके पास एक इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है? सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, और सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की हेल्प से अगर आपके पास कोई इक्वेशन बनी हुई है, दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। और लीनियर कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाएगी? जिसके अंदर, या देखिए, जिस कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कही जाएगी अगर उसमें आपके पास वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज वाई हियर, वाई की टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट ना हो, और नॉट इवन वाई, वाई जो डिफरेंशियल टर्म्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, डिफरेंशियल जो आपके पास डेरिवेटिव वाली जो टर्म्स हैं, उनके साथ भी इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी टर्म्स नहीं दिखती हैं आपके पास, तो उसके अलावा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बच गई, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऐसी टर्म्स अगर दिखती हैं, ऐसा आपके पास कंडीशन अगर दिखती है, तो दैट इज और कंडीशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? सो एक मैंने ब्रीफ सा आइडिया दिया है कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। एंड फर्स्ट ऑर्डर मीन्स अगर डेरिवेटिव टर्म का डिग्री यहाँ पे वन है, ठीक है, डिग्री वन है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई लीनियर इस वजह से, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पी और क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, और हम कह सकते हैं या तो कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी या एक्स के फंक्शन है पी और क्यू। सो ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, कोई एग्जांपल लें अगर हम, सो मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ई रेस टू पार टू एक्स, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका ये एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन आपने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह से है, आई होप आप लोग जानते होंगे। सो अब ये एक सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन दिस फर्स्ट। अब सोल्यूशन होने का मतलब क्या है? कि आप जब वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है? कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, ये सेटिस्फाई करती है। ओके, सो ये एक इसका सोल्यूशन हो गया यहाँ पे। क्लियर? सो ये सॉल्यूशन का मतलब होता है। अब देखिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखिए वही बात है, लीनियर भी टर्म सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब भी वही है, बट ऑर्डर टू हो गया। ऑर्डर टू का मतलब है अब जो डेरिवेटिव की टर्म है उनकी डिग्री यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर मतलब है सेकेंड टाइम डिफरेंशियल वहां पे किया गया होगा। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टाइप से कुछ दिखेगा वहां पे। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर अगेन पी क्यू आर या तो एक्स के फंक्शन होंगे और आइदर कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये लीनियर है, इसमें आपके पास वन एक्स की कुछ टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वाई या डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वाई की टर्म्स का यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। तो ये एक लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है।
अब हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रियल लाइफ में कैसे यूज होती हैं हमारे पास। तो मान लीजिए एक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है। देखिए मैथ्स का हम मैथ्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनका हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं ये इस मॉडल की हेल्प से मैं बताऊंगी। उससे पहले देखिए मान लीजिए आपके विलेज में ठीक है पॉपुलेशन है मॉस्किटोज की पॉपुलेशन है ठीक है, मच्छर आपके विलेज में बहुत सारे मॉस्किटो हैं और उनका आपने प्रिडिक्ट करना है कि उनके लिए आप लोग मान लीजिए कितनी आपने दवाई चाहिए या कितना आपको उस पे स्प्रे आपको लगेगा उन मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए। तो आपको एक क्वांटिटी का अंदाजा तो होना चाहिए ना कि मान लीजिए आज आपने देखा कि यहाँ पे इतने मच्छर हैं बट इन फ्यूचर जब तक हम दवाई का या स्प्रे का अरेंजमेंट करेंगे हमारे पास कितने मॉस्किटोज हो जाएंगे, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो, क्या उनकी प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है, किस बेसिस पे उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोग बनाते हैं और उनको सोल्व करके फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर ये पॉपुलेशन होगी तो हमें ये वहाँ पे दवाइयाँ चाहिए स्प्रे चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए ठीक है। तो इतना हमें मतलब तैयारियां करनी पड़ेंगी, इतना हमें दवाइयां लेके आनी पड़ेंगी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। और इसी तरह से किसी की भी पॉपुलेशन ग्रोथ हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। लाइकवाइज किसी पॉन्ड के अंदर फिश की पॉपुलेशन आपने देखनी है, कोई कोई इंसान मान लीजिए बिजनेस कर रहा है फिशरीज पे ठीक है, तो फिश उसने एक पॉन्ड में फिश को पाला है, अब इन फ्यूचर वो कितनी फिश वहां पे होंगी, उसको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसमें देखो कंडीशंस बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हमारे पास, कुछ फिश ऐसी होती हैं जैसे बड़ी फिश होती है छोटी वाली को खा भी जा रही है, कुछ फिश अपने आप भी मर जा रही है, तो कुछ फिश की पॉपुलेशन वहां पे डिक्रीज हो रही है, कुछ फिश की विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पे इंक्रीज कर रही है। तो इन फ्यूचर या इन कमिंग 10 डेज या इन कमिंग मंथ उन फिश की पॉपुलेशन कैसी रहेगी ये हमने मान लीजिए प्रिडिक्ट करनी है। तो ये सब प्रिडिक्शन हम मैथमेटिकली मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए जैसे कि वेदर फोरकास्ट है, तो आपका वेदर कैसा रहने वाला है आपके एरिया में मान लीजिए, तो उसके लिए भी पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग करी जाती है। उन मॉडल्स में वेरियस पैरामीटर्स होते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पे लगानी चाहिए ठीक है, ये कंडीशन इस एरिया की ऐसी एटमोस्फेरिक ये कंडीशंस है, एनवायरमेंटल ये कंडीशन है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है ठीक है, ह्यूमिडिटी इतनी है, तो ये सब फैक्टर्स को इन सब को पैरामीटर बोला जाता है। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छा जो मॉडल बनाते हैं वो हमारे उतने ही प्रिसाइज प्रिडिक्शन के लिए फोरकास्ट के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल को हम समझने की कोशिश करते हैं जो बेसिक है बिल्कुल उनसे हम शुरू करते हैं कि मान लीजिए किसी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की देखनी है मॉस्किटो की देखनी है, इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया किसी एनवायरनमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है वहां पे, क्योंकि देखो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम एक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल देख रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है इस टाइम पे ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर सर्दी ज्यादा है तो वहां पे मॉस्किटोज की ग्रोथ कम हो रही है या सर्दी कम है तो ज्यादा हो रही है, ये सब एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट मान लीजिए कुछ टाइम के लिए हमने छोड़ दिए हैं, सिंपल एकदम मॉडल देखना चाह रहे हैं ठीक है। तो वो किस तरह से पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ेगी, मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 बैक्टीरिया है तो 10 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेंगे ठीक है, तो 10 बैक्टीरिया एक तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एक वहां पे 20 बैक्टीरिया हो तो 20 बैक्टीरिया और ज्यादा बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेंगे वहां पे ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली प्रेजेंट में बैक्टीरिया कितनी पॉपुलेशन है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है। सो इसी चीज को तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन आज प्रेजेंट है बैक्टीरिया की उतनी ही इन फ्यूचर हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे और पॉपुलेशन बनेगी बैक्टीरिया की, जब हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी वहां पे मर नहीं रहा है बैक्टीरिया, बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल है। सो वाई मान लीजिए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया टी टाइम के ऊपर वाई टी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की ठीक है। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज कितना आ रहा है वाई के अंदर, वाई मतलब पॉपुलेशन बैक्टीरिया की कितना चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के ही, कि आज कितनी पॉपुलेशन है टी टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इक्वल लिखने के लिए इक्वल्स टू के वाई के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम वहां पे डिटर्मिन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली
पता लगाएंगे, तब हमारे पास ये पैरामीटर है, ठीक है, ये पैरामीटर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। सो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे बन गई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम सिंपल सी फॉर्म में। सो अभी इस में इस मॉडल को और ज़्यादा प्रिसाइज देखने के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है हमारे पास, INI इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ इनिशियल कंडीशन हमारे पास लगाई जाती हैं। तो और मान लीजिए आपको बोला गया कि आपने आज किसी पॉन्ड के अंदर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मान लीजिए एस्टिमेट करके ले लिया कि वाई नॉट है, ठीक है। तो आज जितनी आपने पॉपुलेशन ले ली उस टाइम को हमने बोल दिया, क्योंकि आज से शुरू की है आपने, उस टाइम को आपने बोल दिया टी इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो उसे एज ए स्टैंडर्ड मान लिया कि टी इक्वल्स टू जीरो पे आज से जो शुरू किया है उस टाइम पे पॉपुलेशन वाई नॉट है। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, वाई एट टी इक्वल्स टू जीरो है पॉपुलेशन आज वाई नॉट। तो ये चीज़ क्या करती है, ये इनिशियल वैल्यू बोली जाती है, ये हमारे पास उन कॉन्स्टेंट को नो जो वेरिएबल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी वन सी टू की फॉर्म में आते हैं। तो उस आम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को डिटर्मिन करने के लिए इनिशियल वैल्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर है तो एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएगा, उसके लिए एक इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, तो वो हमारे पास ऐसे डिटर्मिन हो जाएगा। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम देखिए कि अब एक मॉडल है हमारे पास स्प्रेड ऑफ अ वायरस। अब किसी एरिया में किसी वायरस का स्प्रेड देखना है, और ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो कोरोना वायरस जो स्प्रेड कर रहा है, तो किसी भी वायरस के स्प्रेड का मॉडल हम देख सकते हैं, इसे हम उस तरह का मॉडल भी मान सकते हैं, बट वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देख रहे हैं इसको। पैरामीटर्स बहुत ही हमने कम यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको समझा सके, ठीक है। सपोज अ वायरस स्टार्ट टू स्प्रेड इन ए पॉपुलेशन ऑफ एन एल इंडिविजुअल्स, मान लीजिए किसी गांव में एल इंडिविजुअल्स रहते हैं, एल लोग रह रहे हैं, उन एल लोगों के अंदर पॉपुलेशन, एल लोगों की पॉपुलेशन के अंदर वायरस का स्प्रेड होना शुरू होता है, ठीक है। तो अब रेट ऑफ वायरस स्प्रेड डिपेंड अपॉन, देखो किस रेट से वायरस स्प्रेड करेगा, ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि पहले से उस गांव में कितने लोग अफेक्टेड हैं। एक तो देखिए एक गांव में देख ले, मान लीजिए एक ही बंदा इफेक्टेड है, ठीक है, कोरोना वायरस से एक ही बंदा इफेक्ट था, तो वो जो स्प्रेड करेगा, वो उस कोरोना वायरस को जो फैलाएगा वो कम स्पीड से फैलाएगा, राइट। अब ज्यादा अगर लोग हैं, मान लीजिए एक गांव में 10 लोग को कोरोना वायरस है, तो वो वहां पे स्प्रेड का जो रेट है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड कर रहा है कि पहले से कितने इंडिविजुअल्स उस वायरस से अफेक्टेड हैं, उस पे डिपेंड करता है कि स्प्रेड कितना होगा, ठीक है। अब जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स रहेंगे उतने ज्यादा स्प्रेड होगा, और जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स अभी बचे हुए हैं उतना स्प्रेड वहां पे रेट कम रहेगा, ठीक है। सो वाई मान लीजिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाई वायरस एट टाइम टी, टी टाइम पे मान लीजिए इसके वाई टी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, उस गांव में अफेक्टेड हैं पहले से, और टोटल एल पॉपुलेशन है जिसमें से वाई अफेक्टेड हो गई, तो बचे कितने, एल माइनस वाई पीपल हैं जो अभी अनअफेक्टेड हैं, ठीक है। सो आपके पास डी वाई बाई डी टी चेंज, कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे टी टाइम के साथ, वो चेंज इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल माइनस वाई टाइम्स वाई, और इक्वल टू लेने के लिए प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट हो गया के, ठीक है। और के डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर से हम समझे कि मान लीजिए इम्यूनिटी कैसी है, ठीक है। मान लीजिए 10 लोगों को कोरोना वायरस था, उसमें से एक बंदे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो जल्दी से ठीक हो गया, उसने किसी को स्प्रेड ही नहीं किया। तो इस तरह से जो फैक्टर्स होते हैं ना, इस तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है के, ठीक है। और वायरस का नेचर कैसा है, मान लो किसी के बॉडी में वायरस ही वीक पड़ गया, किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा है, सो ये वायरस के नेचर पे और इंडिविजुअल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। इसी को भी अगर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरह देखना चाहें, तो मान लीजिए वाई इक्वल्स टू वाई नॉट वैल्यू है, आज अगर आप 1 बजे आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखे कितने अफेक्टेड हैं, तो उसको आपने टी को इक्वल्स टू जीरो मान लिया कि आप इनिशियल टाइम ये है, मैं आज से शुरू में कर रहा हूँ, सो टी इक्वल्स टू जीरो पे वाई नॉट पीपल अफेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडल हो गया, इसे सिंप्लीफाई करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर किस तरह का स्प्रेड होने वाला है, बट ये बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल है। इसके अंदर हम बहुत सारे पैरामीटर जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेन जो चीज़ है ना दैट इज कि ये के या और पैरामीटर्स जो कि किस तरह से स्प्रेड को आगे कंटिन्यू करने में, ठीक है, स्प्रेड को आगे होने में हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को,
क्लियर। सो इसी तरह से ये सेकेंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। फिजिक्स और इंजीनियरिंग की वेरियस प्रॉब्लम्स हैं जिनमें सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं, सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी यूज़ होता है। तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वाइब्रेटिंग स्प्रिंग जो है वो प्रॉब्लम, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, ये सारी प्रॉब्लम्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम होती है। सब वेरी सिंप्लीफाइड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जैसे, वहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखने को मिलती है। तो मान लीजिए किसी पार्टिकल की टी टाइम पे पोजीशन है एक्स टी, ठीक है। अब उस पार्टिकल की वेलोसिटी टी टाइम के ऊपर क्या होगी, द फर्स्ट डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उस पार्टिकल पे एफ फोर्स अप्लाई किया हुआ है और एम मास का कोई पार्टिकल है, तो एट टाइम टी वो किस तरह से एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सो ये एक वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। सो इस तरह से देखने को मिलती है रियल लाइफ में हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब वेरियस मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में, इन लेक्चर सीरीज में, जहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज बाई चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द सीएफ इज नॉन, ये मेथड है जिससे हम सॉल्व करें। जब सीएफ आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, जो किसी, अभी देख लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू आई इज इक्वल टू आर। सो सी एफ जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप करते हो होमोजीनियस पार्ट का, मतलब जब राइट साइड को जीरो लेते हैं क्यू आई इज इक्वल टू जीरो, इस पार्ट का जो सोल्यूशन करते हैं दैट इज सी एफ, ठीक है। जब सी एफ का एक पार्ट नॉन हो, सी एफ में एक सोल्यूशन आपको मतलब पता हो, या ये हम कहें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब एक सोल्यूशन आपको पता हो, तो दूसरा सोल्यूशन हमने हमें नहीं पता, मतलब पूरा कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें नहीं पता है, सो वो हम एक पार्ट ही नोन हो उसका, उसी से हम सॉल्यूशन करेंगे बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, ठीक है। सो ये फर्स्ट मेथड है जिसे हम अभी कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हमारे पास कुछ चार मेथड और हैं। सेकेंड मेथड है बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये टर्म हम रिमूव करके और डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके करेंगे, ये एक सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स हमारा, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके सोल्यूशन करना है। फोर्थ मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑल्सो, इंपॉर्टेंट मेथड है ये बहुत ही, कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स को वेरिएशन करके, बहुत इसको मैं पूरा एलोबरेट करूंगी हमारी कमिंग वीडियोस में। और बाय मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, ये दोनों मेथड हैं हमारे पास ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूज होते हैं जब सी एफ आपके पास नॉन होता है। सी एफ नॉन होने के लिए ये हमारे पास मेथड है, ठीक है, तो इन मेथड की हेल्प से, और जब पी आई सिर्फ हमें अननोन रह जाए हमारे पास, तब ये हम इन दोनों मेथड्स का यूज करेंगे। नाउ सम रेफरेंसेस जिन बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं, सो वन इज एम फ्रॉम एम बाय एम डी राय सिंघानिया, द बुक इज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एस चांग पब्लिकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप ये बुक यूज कर सकते हैं। और एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एस एल रॉस, ओके, इट इज वेरी नाइस एंड प्रिसाइज बुक, जो जिसमें आपको इंसाइट मिलेगा कि किस तरह से आप रियल लाइफ में या फिजिक्स में या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, ओके। सो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्पस आई सजेस्ट दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीवनसन पब्लिकेशन न्यू कॉलेज की, सो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द सी एफ, सी एफ के अंदर एक इंटीग्रल आपको नोन हो, ठीक है। सो एक इंटीग्रल की हेल्प से, जब नोन जो फंक्शन है आपके पास सी एफ का वो आपके पास है, उसकी हेल्प से आपने सॉल्व करना है और कंप्लीट उसका सोल्यूशन निकालना है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। सो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, फिर पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ एक्स और आइदर कॉन्स्टेंट। सो अब मान लीजिए कि आपके पास
यू एक फंक्शन है जो सी एफ का एक पार्ट है जो आपको पता है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और किस तरह से होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस, कि आपके पास ये पार्ट जो नोन आप कर सकते हो कि ये एक एज अ सोल्यूशन है, ये सी एफ का एक पार्ट रहेगा, ये किस तरह से आप पता कर सकते हो, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. लेट वाई इक्वल्स टू यू बी द इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द सी एफ, बी द इंटीग्रल इंक्लूडेड इन सी एफ. ठीक है, सी एफ के अंदर रहने वाला एक उसका एक पार्ट है. ओके, सो अब ये सी एफ का पार्ट है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एक सोल्यूशन है मतलब उसका. सो सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन आपके पास पता लग गया, तो उस सोल्यूशन, अगर वो सोल्यूशन है तो उस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मीन्स डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल्स टू जीरो. होमोजीनियस मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड को जीरो कंसिडर कर जब होता है जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो दैट इज द होमोजीनियस पार्ट. सो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सो ये उसको सेटिस्फाई करेगा. सो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बार बार डी स्क्वायर डी यू ये ना लिखते हुए, यू टू प्लस पी टाइम्स ऑफ यू वन प्लस क्यू यू इज इक्वल्स टू जीरो, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, वेर यू टू रिप्रेजेंट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी यू ऑन यू वन इज डी यू बाई डी एक्स. ठीक है, सो अब आपका यू एक नॉन पार्ट है, एक सोल्यूशन पता है, तो आपने उसका पूरा सोल्यूशन मान लिया यू इंटू वी टाइप से, वेर वी इज अननोन फंक्शन ऑफ अननोन सम फंक्शन ऑफ एक्स. तो अब आपने क्या करना होगा, v की वैल्यू निकालते ही आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. सो अभी क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है आपने सॉल्यूशन को, तो उसके लिए हमें चाहिए dy by dx, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो ये dy ये y आपके पास आपने कंसिडर कर लिया, इसमें dy by dx निकालिए. dy by dx मतलब u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो v के डेरिवेटिव को मैं v1 से लिख देती हूँ, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव दैट इज v1 u हो गया आपके पास. इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज u एज इट इज v का सेकेंड डेरिवेटिव, फिर u का फर्स्ट डेरिवेटिव v1 एज इट इज, सो दैट इज u1 v1. इसी तरह से u1 एज इट इज v1 का फर्स्ट v का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ट्वाइस ऑफ u1 v1 हो जाएगा एंड u2 v. सो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इन तीनों वैल्यूज को आपने फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना है. फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, तो यू वाई टू प्लस टू ऑफ u1 v1 प्लस u2 v p टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव u v1 प्लस u1 v प्लस qy दैट इज uv इज इक्वल्स टू r. ठीक है, सो इन सभी टर्म्स में आपने सारे कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए. वी टू फंक्शन अननोन है ना, वी वी एक फंक्शन है जो अभी तक हमें निकालना है, जो अननोन फंक्शन ऑफ एक्स है. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की टर्म्स में बना लेना है. ठीक है, सो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसे चेंज करके वी डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने बना लेना है. यू टाइम्स वी टू प्लस वी वन की टर्म्स को कलेक्ट करना है, दैट इज टू यू वन प्लस पी यू, ये वी वन की टर्म्स हो गई, और अब वी की टर्म्स हो गई आपके पास यू टू प्लस पी यू वन प्लस क्यू यू टाइम्स वी इज इक्वल्स टू आर. ठीक है, अभी देखिए यू टू प्लस पी यू वन प्लस क्यू, इसकी ये कितना हो जाता है, क्योंकि यू ये एक सॉल्यूशन था, तो ये आपके फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू दिस टर्म, ये टर्म आपकी जीरो बन गई. सो हमें हमारे पास क्या बाकी रह गया, यू वी टू प्लस टू यू वन प्लस पी यू वी वन इज इक्वल्स टू आर. अभी देखिए अगर इसमें आपने समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार रुकिए. दिस इज टू यू वन बाई यू प्लस पी वी वन इज इक्वल्स टू आर, इसका मतलब है डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई यू, दिस इज डी यू बाई डी एक्स प्लस पी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आर. ये आपके पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऐसे दिखती है. ओके, सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब आपने सोल्व करना है, तो इसके सोल्व करने के लिए अब हम पुट कर देते हैं, पुट डी वी बाई डी एक्स को
डी वी बाय डी एक्स को हमने पुट कर दिया पी, सो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया डी पी बाय डी एक्स। क्लियर। सो ये आपके पास बन गई इक्वेशन डी पी बाई डी एक्स प्लस टू बाई यू यू वन प्लस पी, ये स्मॉल पी है एंड दिस इज कैपिटल पी, पी इज इक्वल्स टू आर। ओके, यू से हमने डिवाइड किया था तो आर बाई यू भी होगा यहाँ पे, आर बाई यू, दिस इज आर बाई यू। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसमें आपने पी की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन हो गई पी के अंदर। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से हम देखिए, अगर आपके पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, तो उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर पी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम की हेल्प से सॉल्यूशन करते हैं, फिर सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, इस तरह से सॉल्यूशन होता है। तो हमारी इक्वेशन है पी में लीनियर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू पार टू यू वन बाई यू प्लस पी दस डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब देखिए नीचे यू है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, सो इसे हम लिख सकते हैं ई टू बाहर यू वन अपॉन यू डी एक्स प्लस दिस इंटीग्रल पी डी एक्स। ओके, सो ये बन गया लॉग यू, ई रेज टू पावर टू लॉग यू प्लस इंटीग्रल पी डी एक्स, बिकॉज पी कोई एक्स का फंक्शन है, क्या फंक्शन है वी डोंट नो। सो ये हो गया यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, इस फोर्थ इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फोर इज पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल आर बाई यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी वन पी टाइम्स यू स्क्वायर ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आर बाई यू यू स्क्वायर ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस सी वन। ठीक है, ये आपके पास पी यहाँ से कितना हो जाएगा, वन ओवर यू स्क्वायर, सो यू रेस टू पावर माइनस टू ई रेस टू पावर माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स होल इंटीग्रल आर यू ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस सी वन। क्लियर, तो ये पी है, पी मीन्स पी किसे पुट किया था, डी वी बाई डी एक्स को। ये अभी आप देख रहे होंगे कि इतने सारे इंटीग्रल साइन चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे। सो ये सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सब सिंप्लीफाई होने के बाद एक आपके पास सिंपल सी इक्वेशन बचेगी, सम फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे बचेगा। सो उसमें वी की वैल्यू और निकालनी है, और वी की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे, ठीक है, इस होल इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो तब आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ v, एंड v इज व्हाट, v निकलने के बाद हमारे पास v का नॉन फंक्शन था ना, सो v निकलने के बाद हम उसको u के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन। तो इस तरह से हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके और cf के अंदर जो एक एक सॉल्यूशन को, सीएफ के एक पार्ट को पहले से हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें नो नॉन हमारे पास हो गया वो, और उसको यूज करके हमने इस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किया है। तो अब हम देखते हैं कि हम सीएफ का ये जो इंटीग्रल पार्ट है या सीएफ का एक सॉल्यूशन पार्ट, हम जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस तरह से नॉन हमारे लिए हो सकता है, तो वो हमने देखना है पहले। देखिए सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो, ये एक होमोजीनियस आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब है कि राइट साइड अभी मैं जीरो ले रही हूँ। सो सीएफ हमने निकालने की कोशिश करनी है कि अगर कोई सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो वो किस तरह से रहेगा। देखिए कि हमने मान लिया कि
y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एम एक्स टाइप से सोल्यूशन जब इस इक्वेशन का रहेगा तो क्या कंडीशन हमें देगा कि हम वो कंडीशन चेक कर लें और जिससे वेरीफाई हो जाए कि हाँ इस टाइप का कोई हमें हमारे पास सोल्यूशन आने वाला है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो हम वो कंडीशन निकालने की यहाँ पे बात कर रहे हैं. अगर वाई इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एम एक्स टाइप का कोई सोल्यूशन आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा वो चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव एम ई रेस टू पावर एम एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स और वो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए. ठीक है, इक्वेशन नंबर वन में पुट करने के बाद एम स्क्वायर प्लस पी रेस टू पावर एम प्लस क्यू और ये ई रेस टू पावर एम एक्स मैंने कॉमन लिया यहाँ पे. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. या तो दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, अब ई रेस टू पावर एम एक्स वो जीरो कहाँ पे होता है, जब मैं यहाँ पे इंफिनिटी पावर होगी कम, तो वो पॉसिबल नहीं है रियल वैल्यूज के लिए. तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो अगर आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. दिस विल इम्प्लाई दैट वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एम एक्स उसका एक सोल्यूशन है. ठीक है, अब ई रेस टू पावर एम एक्स मत, एम को अगर हमने वन रख दिया तो ई रेस टू पावर एक्स उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट रहेगा या एक सोल्यूशन रहेगा. ठीक है, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ई रेस टू पावर एक्स कब सोल्यूशन रहेगा, एम को मतलब रखते हैं जब हम वन वन प्लस पी प्लस क्यू करने पे अगर आपके पास, ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया आपने, पी की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू हमें पता है, वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो अगर बनता है तो वो इम्प्लाई करेगा कि वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स एक सोल्यूशन है आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. उसे हम यू कंसिडर कर लेंगे क्योंकि वो एक नॉन पार्ट हो गया. फिर एक अननोन पार्ट हमने वी फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, अगर एम की वैल्यू मैंने -1 रख दी तो ई रेस टू पावर -x ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा कब, जब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, माइनस एम को -1 रखा, माइनस पी पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. जब ये कंडीशन 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाई होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर -x इज पार्ट ऑफ सी एफ. तो सी एफ का पार्ट है, मतलब उसका एक सोल्यूशन है. ठीक है, तो एक तो किस टाइप के सोल्यूशन आपके हो सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसके लिए कंडीशन देखी हमने. ठीक है, एक अनदर कंडीशन देखिए कि और किस तरह का सोल्यूशन हो सकता है. मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एम टाइप का अगर सोल्यूशन होगा, मान लीजिए ये लेट कर रहे हैं हम, तो कंडीशन निकाल रहे हैं इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए एम एक्स रेस टू पावर एम -1, सेकेंड डेरिवेटिव एम एम -1 एक्स रेस टू पावर एम -2. ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रखें अगर फर्स्ट में, तो ये बनेगा एक्स रेस टू पावर एम -2 प्लस पी टाइम्स एम एक्स रेस टू पावर एम -1 क्यू टाइम्स एक्स रेस टू पावर एम इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम पावर है वो पावर आप बाहर निकाल लीजिए, दैट इज एक्स रेस टू पावर एम -2 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा एम एम -1 पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अगर आप एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते ऐसे लिख लीजिए, या अगर आपने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया होता तो ये क्या बनता है, एम एम -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, दोनों सेम थिंग. ठीक है, किसी भी तरह, सॉरी, ये अगर एक्स रेस टू पावर एम बाहर ले लिया होता आपने तो. सो आपके पास कंडीशन क्या आई कि वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एम टाइप का सोल्यूशन रहेगा, तो कब रहेगा, जब वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती हो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एम इन टू एम -1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो इम्प्लाई करेगी कि ये इसका एक सोल्यूशन है. ठीक है, इफ एंड ऑनली, और या तो ये या फिर ये भी आप कर सकते हो, एम एम -1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, किसी भी तरह से. तो ये आपके दो मेथड है जिनसे आप सी एफ का एक पार्ट पता कर सकते हैं. ठीक है, अब एक्स रेस टू पावर एम, अगर मैंने एम क्यू 1 रख लिया वैल्यू, ठीक है, एम अगर मैंने 1 चूज किया तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0 प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है
सो वो इम्प्लाई करेगा कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज पार्ट ऑफ सी एफ। सोल्यूशन का एक पार्ट क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब एम को जब हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस कोट एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आर। सो हमारा पी हो गया माइनस कोट एक्स, क्यू इज माइनस 1 प्लस कोट एक्स एंड आर इज ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। क्लियर, ये हमारे पास हो गए हैं। सो अभी हमने देखना है कि हमने जो मेथड अभी दो सीखे हैं कि इनमें से कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, एम की हम क्या वैल्यू लें कि ये सेटिस्फाई हो रहा हो तो हमारे पास एक सॉल्यूशन हमें पता लग सकता है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले इसमें ट्राई करते हैं हम लोग, रफ साइड में हम लोग ट्राई करते हैं कि एम को अगर मैंने 1 लिया सो 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, तो रख के देखते हैं। 1 पी की वैल्यू माइनस कोट एक्स, क्यू है माइनस 1 प्लस कोट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 बन रहा है ये हमारे पास। इसका मतलब है वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पार एक्स, एक सी एफ का पार्ट है, सोल्यूशन का पार्ट है हमारे पास। दिस इम्प्लाइज कैसे लिखना है, एस 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, देयर फोर वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स इज पार्ट ऑफ सी एफ। ठीक है, सो इसे आपने कंसिडर कर लेना है यू की तरह। सो आपने लेट करना है वाई इज इक्वल्स टू यू टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, सॉरी यू नहीं वी, यू तो इसे कंसिडर कर लिया हमने, वी टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। सो ये आपके पास वाई आ गया। अब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव वाई का, क्योंकि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के अंदर रखना होगा हमने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स टाइम्स ऑफ वी। इसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वी ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये सेकेंड डेरिवेटिव। अब फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आया डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस कोट एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाने के लिए, डी वी बाई डी एक्स को हमने पुट कर दिया पी। सो ये आपके पास बन गया, दिस इज डी पी बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस कोट एक्स पी इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पार इंटीग्रल 2 माइनस कोट एक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो ई रेज टू पावर 2x और माइनस कोट एक्स का माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल अलग कर दीजिए, ई रेज टू पावर 2x साइन की पावर -1 आ जाएगी तो अपॉन में साइन एक्स। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, ये अभी तक इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारे पास हो गया, पी टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दीजिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू दैट इज साइन एक्स राइट हैंड साइड टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स टी एक्स प्लस c1। क्लियर, सो ये आपके पास इंटीग्रेशन करने सॉरी इंटीग्रेशन के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई, पी इंटू ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1। सो पी की वैल्यू हो गई हमारे पास ई रेज टू पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस c1 साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, सो और पी इज
साइन एक्स बाई टू प्लस सी वन ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स, पी मीन्स डी वी बाय डी एक्स। अगेन इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास आ गया है, दिस इज वी इंटीग्रल साइन एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी वन बाहर ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी टू वी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर देना है, माइनस कोस एक्स बाई टू प्लस सी वन ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स बाई फाइव माइनस टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये इंटीग्रेशन आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर ये यहाँ पे लिखना है। सो ये आपका वी है, सो वाई इज इक्वल्स टू यू इन टू वी। सो यू हमारे पास क्या था, ई रेज टू पावर एक्स, सो ई रेज टू पावर एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है इसके साथ, कोस एक्स बाई टू प्लस सी वन ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स बाई फाइव माइनस टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी टू। ठीक है, देखिए आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियरली इस तरह से आपने काम करना है। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है, वो है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टाइम डी प्लस एक्स प्लस टू होल टू द होल मल्टीप्लाइड विद वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स, डी का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑपरेटर। सेकेंड प्रॉब्लम इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड विद वन माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर थ्री बाई टू, वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम का मतलब फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली। थर्ड प्रॉब्लम जो आपने ट्राई करनी है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड विद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू वाई, और इसमें एक पार्ट गिवन है, इसमें ये चीज़ गिवन है कि जो वन पार्ट है जिसे हम यू कंसिडर कर सकते हैं वो सोल्यूशन का एक पार्ट कोट एक्स होगा, ये गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो वो कैलकुलेट नहीं करना है आपने, यू गिवन है यहाँ पे यू की फॉर्म में। फोर्थ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टाइम्स वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू टाइम वन प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फिफ्थ प्रॉब्लम एक्स वाई डबल प्राइम माइनस टू x प्लस वन वाई प्राइम प्लस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू ई रेज टू पार एक्स। सिक्स प्रॉब्लम एक्स वाई डबल प्राइम माइनस एक्स प्लस टू वाई प्राइम प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सेवेंथ प्रॉब्लम इज एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वन माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पार एक्स। एट्थ प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस नाइन वाई इक्वल्स टू जीरो, और इसमें सॉल्यूशन का एक पार्ट दैट इज वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब गिवन है। ओके, नाइन्थ प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, इसमें भी वन इंटीग्रल वन पार्ट सॉल्यूशन का गिवन दैट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स। टेंथ प्रॉब्लम इज वाई डबल प्राइम प्लस वन माइनस कोट एक्स वाई प्राइम माइनस वाई कोट एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ट्राई करनी है। Thank you.